आप सभी का स्वागत। सबसे पहले मानव जायसवाल, कांग्रेस की 40 सीटें आएंगी, किस आधार पर आप ये कह रहे हैं भाई 40 सीटें? और ऐसे कैसे आप इंडिया गठबंधन के घटक दल हुए कि अपने ही एक सबसे बड़े दल को आप कह रहे हैं 40 सीटें आएंगी? ललित, तो सभी को मेरा नमस्कार है। और जहां तक इंडिया गठबंधन की बात है, हम गठबंधन के मर्यादा में रहते हैं और हमने गठबंधन का मर्यादा निभाया है। और जहां तक ये 40 सीटों वाली बात है, दीदी ने कहा कि अगर आप 300 सीटों में, अगर 40 सीटों में सिमट जा रहे हैं तो पहले आप वहां पर लड़ना सीखिए। आप यहाँ पे 42 सीटों में लड़ना चाहते हैं, सबका जनाधार नहीं है। तो उन्होंने जो अधीर रंजन चौधरी की जो टिप्पणियां होती हैं, जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी बीजेपी के कॉन मैन की तरह वो दिख रहे हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन की तरह वो काम कर रहे हैं, इसके लिए दीदी ने अवगत कराया है कांग्रेस को। शायद कांग्रेस का कान खुले, इसमें कांग्रेस की आंख खुले। उन्होंने आंख में शायद अधीर रंजन चौधरी की पट्टी बांध ली है। उनको पता नहीं है कि भाई गठबंधन का जो मर्यादा है उस अच्छा, मतलब ये, अधीर रंजन चौधरी को किस शिष्टाचार में रहना है। ये सिर्फ कांग्रेस को चिढ़ाने के लिए बयान दिया ना दीदी ने, सिर्फ एक ताना कसने के लिए, इसमें कोई गंभीरता नहीं है। मतलब 40 सीटें आएंगी ऐसे ही कह दिया बस? जी नहीं, जी नहीं, आप देखिए मानव जी, जब कोई बच्चा या कोई व्यक्ति जो प्रतियोगिता में लड़ता है तो उसको कभी कभी मोटिवेट करने के लिए भी एक तन कसना पड़ता है। तो आप मोटिवेट होइए, लेकिन उसके पहले आप ये दिमाग में रखिए कि भी अधीर रंजन चौधरी का जो रोल है उसके ऊपर आपका क्या संज्ञान है। अधीर रंजन चौधरी सिर्फ बंगाल के कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं है, वो लोकसभा के नेता भी है। एक सेकंड, आप ना विरोधाभासी बात कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं। आप सीधे सीधे बताइए ना, आप क्या कहना चाह रहे हैं? या तो आप ये कहिए कि अधीर रंजन चौधरी हम पर हमला कर रहे हैं तो हम भी हमला कर रहे हैं, राजनीतिक बयानबाजी चल रही है, उसको गंभीरता से मत लीजिए। या फिर ये कहिए हाँ कांग्रेस की 40 सीटें भी नहीं आएंगी। जी नहीं, जी नहीं, हमने कोई विरोधाभास बात मैं कर ही नहीं रहा हूं। मैंने सीधा स्पष्टीकरण करा कि भाई कांग्रेस अगर 300 सीटों में लड़के 40 सीटें ला रही है, ये क्या आप दर्शाना चाहते हैं? हम तो चाहते हैं अच्छा स्पर्धा हो, कांग्रेस अच्छे से लड़े। कांग्रेस को तो अपनी सीटों में कांग्रेस को ही लड़ना होगा ना, वहां तो टीएमसी या सपा या जेडीयू जाके तो लड़ेंगे। अरे पर आप कैसे घटक दल हैं इंडिया गठबंधन के, अपने ही सहयोगी के बारे में कह रहे हैं कि वो 40 भी नहीं ला पाएगी? कमाल है। आप कह रहे हैं कि हम उसको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चे को, जैसे करते हैं वो कांग्रेस पार्टी है, सबसे बड़ी मुख्य विपक्षी पार्टी है। मैं ये नहीं मान सकता कि मैं उस दिन था वहां पे जब धरने में दीदी ने जब बोला कि भैया 300 सीटों में वो 40 सीट तो लाए, उनको ज्यादा लड़ना है। कांग्रेस तो लड़ रही है, जीतने के लिए तो लड़ नहीं रही है। अगर जीतने के लिए लड़ रही होती तो उनको पता है कि जब हमारा इंडिया गठबंधन बना तो उसमें सबसे पहली बात ये हुई, जहां जहां जो दल मजबूत है तो उनको बड़ी पार्टी के रूप में सबको मानना होगा, उसी मान्यता से आपको लड़ना होगा। बंगाल में कांग्रेस और बीजेपी और सीपीएम का क्या जनाधार है ये पूरा देश जानता है। संजय राउत कह रहे हैं बंगाल में ही 40 सीटें आ सकती है कांग्रेस पार्टी की, पूरे देश में 150 आएंगी इस बार। इंडिया गठबंधन के घटक दल बताइए आपस में ही कांग्रेस को कितनी सीटें आएंगी, इस पर बहस कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, देखिए बहस उसकी हो ही नहीं रही है, बहस तो है ही नहीं। बंगाल में 42 की 42 सीटें हम जीत रहे हैं, इसका दावा हम नहीं कर रहे हैं, दावा ये तो जनता जिता रही है। और जहां तक राहुल जी अगर बोल रहे हैं कि बंगाल में इतनी होने के बाद भी वो 150 सीटें जीतेंगे, तो भाई गुजरात, महाराष्ट्र, नहीं राहुल गांधी नहीं, संजय राउत कह रहे हैं। मानव, संजय राउत ने कहा है कांग्रेस की 150 आएंगी ना, तो ठीक है ना, उनको उनको अपेक्षा है आएंगी 150, कांग्रेस लड़ेगी उसके अनुसार। आज कांग्रेस जिस तरीके से कार्य कर रहे, तो आप क्यों अपने ही गठबंधन के साथी को नीचे खींच रहे हैं, उसकी टांग खींच रहे हैं? 40 भी नहीं आएगी, कमाल है। नहीं, हम चाहते हैं कि 40 से ज्यादा आए। हम तो बोल ही रहे हैं कि 300 सीटों में जब आपको लड़ना है तो आप 40 से ज्यादा लाके दिखाइए। आप आगे दिखा, अगर आप अग्रसर रूप में अगर विपक्ष का भूमिका नहीं निभाएंगे तो हम क्या करेंगे? हम तो आपको जबरन तो बोलेंगे नहीं जाइए जाके लड़िए, आपको तो लड़ना है। आपको मतलब तो इंडिया गठबंधन खत्म हो गया ना मानव जायसवाल, मान लेना चाहिए, बचा कहाँ है, कुछ भी नहीं बचा। कैसे? नहीं नहीं, कैसे आप बोलना चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन खत्म हो गया? क्या है आपको उसमें मापदंड क्या है? मापदंड ये है, मैं बताता हूं मापदंड ये है कि बंगाल में अकेले लड़ रहे हैं, पंजाब में कोई गठबंधन नहीं हो रहा, बिहार में अब गठबंधन बचा नहीं है, राजीव रंजन बैठे हैं, जेडीयू आ गई इधर एनडीए में, महाराष्ट्र में कोई सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा, प्रकाश अंबेडकर कह रहे हैं वहां पर कि गठबंधन खत्म हो गया, खुद महाराष्ट्र में कहा उन्होंने, प्रकाश अंबेडकर ने, कहां गठबंधन हो रहा है? देखिए, और एक ही गठबंधन के घटक दल एक दूसरे के बारे में क्या क्या कह रहे हैं? ऐसी बातें नहीं है मानव जी, जब आप किसी संगीत की रचना करते हैं तो बहुत बार उसमें तोड़ मरोड़ होता है, बहुत बार धुन को चेंज करना पड़ता है।
और आज जब देश को लड़ाने की लड़ाई लड़ रहे हैं हम, जब देश को देश को जिताने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये भाजपा जो देशद्रोही सरकार है उसको हराने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, तो इसके पीछे तो हजार मैंने सारे लोग जुट रहे हैं। आज अगर कांग्रेस हराने के लिए तत्पर है, हराना चाहती है, हम उनके साथ हैं। सपा जहां मजबूती से काम करेगी, अच्छा, हम उनके अगर साथ हैं। मतलब आप कह रहे हैं अगर, मतलब आपको भरोसा नहीं है कांग्रेस हराना चाहती है बीजेपी को? भाई हम तो यही बोल रहे हैं कि देखिए, अब आपने शब्द को कितना सुंदर से पकड़ लिया, ये कांग्रेस को भी तो चिंतन करना होगा ना कि उनको हराना है तो भाई उनको किस भूमिका में रहना है। बाकी जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी है सब एकजुट होकर भाजपा को लड़ा रही है, भाजपा को टक्कर दे रही है, भाजपा को पछाड़ रही है। कांग्रेस का की क्या भूमिका है, कांग्रेस को तो निभानी होगी।